में प्रॉब्लम देख रहे हो, ये 10-20 के प्रिंटर की कॉमन प्रॉब्लम है पेपर जामिंग की। आज हम इसकी सोल्यूशन निकालेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम किस वजह से आती है। सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑफ करेंगे, इसकी सारी केबल्स वगैरह रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम प्रिंटर को खोलेंगे। प्रिंटर को खोलेंगे तो डिले की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इसको ओपन करके इसका राइट साइड का कवर खोलेंगे हम यहाँ से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका लगा होता है, कई बार लीवर खो जाता है तो हम उसकी जगह एक स्क्रू भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तो पूरा लीवर का ही काम करता है। अब हम इसको यहाँ से खोल के इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसे डिस्कनेक्ट हो गया है, बस अभी इसे अलग हो गया। अगर यहाँ पे आपका लॉक नहीं है या गायब हो चुका है या गुम हो चुका है तो आप ये पेज भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह दूसरा सोलेनोइड लगा लें, इसको रिले भी कहा जाता है। ये पार्ट जिसे आप सोलेनोइड कहा जाता है, ये पार्ट जो रिले जो चिपका हुआ है, ये पार्ट हमारी वेबसाइट पर आसानी से अवेलेबल है। partsbaba.com पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। 10-20 के प्रिंटर में कॉमनली ये पार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से पेपर जाम की प्रॉब्लम का इशू आता है। अगेन इसका सॉलिड रिप्लेस कर चुके हैं, अब इसके बाद रिप्लेस करने के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे यहाँ से, अभी हमारा प्रिंटर ठीक हो चुका है।